आज थोड़ा सा हम इसका केवल कहानी पढ़ेंगे, अदरवाइज जो होगा उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द गिफ्ट ऑफ मैगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गिफ्ट क्या है। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, जो हम किसी को किसी ओकेजन पे देते हैं। किसी के बर्थडे पे कोई गिफ्ट देते हैं, किसी के मैरिज सेरेमनी में गिफ्ट देते हैं, किसी के मतलब वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट देते हैं। जब भी हम किसी को कोई उपहार देते हैं वो गिफ्ट है। यहाँ है द गिफ्ट ऑफ मैगी। एक अर्थ है मैगी क्या है, व्हाट इज मैगी। मैगी वो नहीं है जो आप जानते हैं। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि मैगी जो आप खाते हैं वो है। आवाज स्पष्ट नहीं दे रहा है जी। तो मैगी है ईसा मसीह को, ईसा मसीह भगवान यीशु, यीशु को, ईसा मसीह को क्रिसमस के दिन उनके जन्मदिन पे तीन लोग एक गिफ्ट लेके गए। जो उपहार उनको दिए वही मैगी है, उसी को मैगी कहा गया, द गिफ्ट ऑफ मैगी। ठीक है, ये जो कहानी है थोड़ा सा हम नीचे से इनके बारे में चलते हैं। पहले कहानी को देखते हैं, कहानी क्या है। द प्रेजेंट स्टोरी, यह प्रस्तुत कहानी जो है, द गिफ्ट ऑफ मैगी, द प्रोफाउंड लव ऑफ जीन एंड बेला। ये दोनों पति पत्नी हैं और इन पति पत्नी के अगाध प्रेम को प्रदर्शित करता है, दिखाता है फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, एंड सो दैट, और यह दिखाता है दैट फिजिकल दे मे बी आर ऑफ लिटिल वैल्यू बिफोर ट्रू एंड अनसेल्फिश लव। यानी ट्रू एंड अनसेल्फिश लव के, अनसेल्फिश लव का मतलब निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी स्वार्थ के। कह रहा है कि यह कहानी जो है वो अनसेल्फिश लव एंड ट्रू लव को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। इस कहानी में होता क्या है, जिम और डेला पति पत्नी है, वो एक दूसरे को क्रिसमस के दिन उपहार देना चाहते हैं। He wants to give the present, give the gift of Maggie on Christmas occasion. और क्रिसमस ओकेजन पे, क्रिसमस के अवसर पे एक दूसरे को उपहार देना चाहते हैं, बट दोनों के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। जब दोनों के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते तो डेला बहुत ही सुंदर है और उससे भी सुंदर उसका हेयर है, हेयर इस बाल, उससे भी सुंदर उसका हेयर है, लंबा हेयर है। जिम के पास एक उसका पैटर्नल वॉच है जो काफी सुंदर है, लेकिन उसमें चैन नहीं है, चैन नहीं है, वैसे ही पॉकेट में रख के घूमता है, उसको पहनता नहीं है, चैन ही नहीं है तो पहनेगा कैसे। वो एक दूसरे को क्रिसमस के दिन उपहार देना चाहते हैं, लेकिन यह कैसे, तब संभव होगा जब दोनों के पास पर्याप्त पैसे होंगे। वह अपनी पत्नी कम खरीदना चाहता है, कहीं कहीं जूड़ा का भी जिक्र है कि जूड़ा खरीदना चाहता है। इसमें कम कहते हैं जूड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है, जूड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन होता क्या है, ये इसके पास $1 और 87 सेंट्स होते हैं जो पर्याप्त नहीं होते हैं उसके चयन के लिए। दोनों के पास जो पैसे हैं वो उपहार खरीदने के लिए एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वो दोनों काफी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। क्रिसमस नजदीक है, क्रिसमस अब आने वाला है, लेकिन फिर भी दोनों के पास पर्याप्त पैसे नहीं हो पाते। वह डेला जो है इधर उधर करके पैसे बचाती है और ये भी पैसे बचाता है, लेकिन दोनों के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। तो क्या होता है, डेला जाती है और एक सैलून में जाके, एक जगह जाके कहती है कि
क्या तुम मेरा हेयर खरीदोगी? उसका अपने अपना हेयर बेच दिया, उसका हेयर काट लिया जाता है। उसके बाद से हेयर चली जाती है, पर्याप्त पैसे हो जाते हैं देने के लिए, उस उपहार के लिए पर्याप्त पैसे हो जाते हैं, लेकिन हेयर बिक जाता है, कट जाता है। जिन जो है वह उपहार खरीदने जाता है और अपना घड़ी बेच देते हैं उसके कंघी के लिए या जुड़ा के लिए, जो भी कह लीजिए, वह अपना घड़ी बेच देता है। दोनों क्रिसमस के दिन एक दूसरे को उपहार प्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। और जब जब वे दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं उपहार लेकर, तो एक अजीब सिचुएशन वहां पे होता है कि जो गिफ्ट है, जिस चीज के लिए गिफ्ट खरीदा गया, वही नहीं है। जैसे लीला ने चैन खरीदा, होपलेस पॉप चैन, तो उसने घड़ी बेच दी, और उसने जूड़ा खरीदा, कंघी खरीदा, तो इसने अपना हेयर बेच दिया। दोनों गिफ्ट एक दूसरे को देकर आश्चर्यचकित होते हैं। यही कहानी है इस द गिफ्ट ऑफ मैगी की। यहाँ वो हेनरी, चूंकि जाने जाते हैं बहुत ही अच्छे स्टोरी राइटर हैं, ये जाने जाते हैं हैप्पी एंडिंग के लिए, काफी उसको क्या कहते हैं, ट्विस्ट एंडिंग, यानी हमेशा सस्पेंस बना रहता है कहानी। प्रेमचंद्र की उपन्यास में या कहानियों में भी ऐसा मिल जाएगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बाकी कल चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर है ओलिवर हेनरी, 1862 to 1910 ओलिवर हेनरी के नाम से जाने जाते हैं। He was a prolific writer. He wrote 300 short stories which are connected in volumes such as Cabbage and Kings, The 4 Million Roads of Destiny, Wept and Estrays, and The Voice of the City. Yeah, he wrote 300 short stories and connected which are connected in the volumes such as, ये जो अंक है इसमें Cabbage and Kings, जो अंक इसमें उनका सारे जो इनके short stories है इसमें संकलित है, संग्रहित है। Henry's short story is known for wit, चतुराई, wit का मतलब होता है चतुराई, word play, warm characterization and clever twist ending। इनकी जो कहानियां हैं वह बुद्धिमानिता के लिए जानी जाती हैं, बुद्धि, वर्ड प्लेस, वार्म कैरेक्टराइजेशन, सीधे पात्र भी होते हैं काफी वार्म होते हैं ना, एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग। और ट्विस्ट एंडिंग, क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग, ट्विस्ट का मतलब कहानियों में ट्विस्ट बना रहता है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मैं जानना चाहते हैं चलो इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। कह रहा है कि फ्रेंच शॉर्ट स्टोरीज राइटर गे डे मॉपसेंट, बहुत अदर वेयर फेमस फॉर सरप्राइज एंडिंग, और एक फ्रेंच स्टोरी राइटर हैं गे डे मॉपसेंट, ये दोनों लोग, बोथ ऑथर्स वेयर फेमस फॉर सरप्राइज एंडिंग, ये लोग सरप्राइज एंडिंग्स के लिए जाने जाते हैं। बोथ ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज आर मच मोर प्लेफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक देन मॉपसेंट, से ज्यादा प्लेफुल और ऑप्टिमिस्टिक, अगर आशावादी कोई
कहानियां होती हैं तो वो ओ हेनरी की होती हैं, ठीक है। द प्रेजेंट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मैगी डिपिक्ट्स द प्रोफाउंड लव ऑफ जी एंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है अगाध प्रेम, प्रोफाउंड लव ऑफ जीन एंड डेला फॉर सच, नहीं आदत थी डेला भी कह सकते हैं, जीन एंड डेला फॉर ईच अदर एंड सो दैट द फिजिकल पोजीशंस हाउएवर वैल्यूएबल, कैसे वैल्यूएबल दे मे बी आर of little value before true and unselfish love, and if true and unselfish love के आगे जो physical possession होता है वो उसकी value कुछ खास नहीं है, उसकी value कोई नहीं है। इस कहानी में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, the importance of gift on the great occasion, किसी अवसर पे gift का क्या importance है, क्या महत्व है, the importance of gift on great occasion। जैसे मान लीजिए आप बर्थडे में किसी के गए तो वहाँ यदि आप गिफ्ट लेके जाते हैं तो आपका इफेक्ट ज़्यादा पड़े, लाइक एक चॉकलेट भी बनता है, लाइक किसी भी चीज़ कोई भी अवसर पे, जैसे ओकेजन पे, जैसे दिवाली हो, ईद हो, न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, नहीं तो इस पे प्रेजेंट उपहार काफी मायने रखता है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिसमस ईद दिवाली एंड न्यू ईयर प्रेजेंट्स। आप अपने छोटे भाई को गिफ्ट दें, अपने फ्रेंड्स को, ये इम्पोर्टेंस है, ये जो इसका काफी महत्व है। कल हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप लोग इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, और मैं कल इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा लगभग, ये भी चैप्टर है, आप एक बार प्रयास करेंगे पढ़ के इसका क्वेश्चन आंसर बनाने का। बाकी तो मैं हूँ ऑलरेडी, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसमें जो है 46 लाइन्स है जिसको हम लोग कल देखेंगे। प्रयास करेंगे आप लोग इसका डिक्शनरी यूज बनाने का, वर्ड फॉर्मेशन, ये मैच द फॉलोइंग, ये सब आप लोग बना लेंगे बिना पढ़े हुए, बिना पढ़े हुए आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट में ये एक्टिव पैसिव है, ये भी आप लोग बना सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन है, सम चिल्ड्रंस वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, इसको भी आप लोग बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आप बनाएंगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है कल मैं आपको इस चैप्टर से रूबरू कराऊँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसका फुली एक्सप्लेनेशन कराऊँगा। बाकी आप नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है।